वेलकम बैक दोस्तों मेरे इस नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जो कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए और मेरे लिए। ब्लॉगिंग टाइम हमें नर्वस और घबराहट होती है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। जब हम मार्केट वगैरह में जाते हैं तब हमें घबराहट फील होती है कि कैसे बनाएंगे, कैसे मतलब कि लोगों के सामने वीडियो वगैरह बनाने। बहुत आसान बात नहीं है मार्केट में, हम बोल तो लेते हैं मगर मार्केट में वीडियो बनाना बहुत आसान बात नहीं है, लोग देखते हैं घूर के। इसलिए हमें नर्वस फील होती है, घबराहट फील होती है कि वीडियो कैमरा बाहर निकाले नहीं निकाले, बनाए नहीं बनाए, ये चीज़ होती है शुरू में। और ये क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों हमें इन चीज़ों की हैबिट नहीं है। आप कोई भी चीज़ ले लो, शुरू में कोई चीज़ आप सीख रहे हो तो आप नर्वस फील करोगे, थोड़ी सी घबराहट वगैरह होती है। या कोई आप गाड़ी सीख रहे हो, बाइक सीख रहे हो, तो थोड़ी बहुत घबराहट होती है। तो ऐसी सेम चीज़ इसमें भी है, क्योंकि आपको इन चीज़ों की हैबिट नहीं है, कैमरे के आगे बात करने की या बाहर एक्सप्लोर करने की मार्केट वगैरह। तो इस चीज़ में हमें घबराहट होती है, वो सबको होती है। आप कोई अनोखे नहीं हो, हर किसी को होती है घबराहट, चाहे मुझे हो चाहे कोई बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर भी होगा, उसको भी फर्स्ट टाइम में घबराहट होती है हर किसी को। और कब होती है? जब हम मार्केट वगैरह में जाते हैं। मार्केट वगैरह में जाना और वहाँ ब्लॉगिंग करना कोई आसान बात नहीं है। और हम जब जाते हैं मार्केट में ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए, तो दोस्तों लोग देखते हैं घूर घूर के हमें। जब हम किसी बंदे को देखते हैं कि वो मुझे घूर रहा है या देख रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है या बहुत लो हो जाता है, और जिससे कि हम ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं बना पाते। मतलब कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, या कि हम जो बनाना चाहते हैं वो फोकस नहीं कर पाते अच्छे से, या कैमरा हिल डुल जाता है इधर उधर, कुछ भी एनीथिंग, या हमारा मूड ही खराब हो जाता है, छोड़ यार क्या बनाना, थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है जब लोग हमें देखते हैं घूर घूर के। और ज़्यादा तब देखते हैं लोग जब आप बिल्कुल ट्रैपॉड के साथ जाते हो, ट्रैपॉड फ़ोन वगैरह बिल्कुल लगा के, कैमरा माइक वगैरह, तो लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं इन चीज़ों पर, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि भाई ये ब्लॉगर ही है। क्योंकि ट्रैपॉड लेके मार्केट में बंदा क्या करेगा, जैसे जैसे ब्लॉग बनाने जाएगा पीछे मुड़ के भी देखते हैं कि भाई ये देख, मतलब कि कुछ ना भी बोलो मगर लोग देखते ही है, फोकस करते हैं आप लोगों को ज़्यादा जब आप ट्रैपॉड लेके जाओगे। इस चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है जब हम देखते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं घूर के। वो हो जाता है, चाहे कितना भी बोल लो आप शुरू में तो हो जाता है, बट बाद में दोस्तों वैसे मैं यही कहना चाहूँगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर बनाइए। क्योंकि उस चीज़ से लोगों को जो चीज़ आप कर रहे हो उससे उन मार्केट वालों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ब्लॉगिंग जो बना रहे हो लोग उसको देखेंगे, उसको देख के फिर लोग वहाँ मार्केट में खरीदने जाएंगे कि हाँ भाई ये इस जगह में ये चीज़ मिल रही है, तो उसी को देख के लोग जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आराम से जाइए ब्लॉगिंग करके आइए। अगर आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है तो आप फ़ोन लेके जाइए, खाली फ़ोन लेके, जिसमें जो ऐसे फ़ोन होते हैं जो बिल्कुल सेक नहीं होते, आराम से उनको आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ ब्लॉगिंग करने, मैं खाली फ़ोन लेके जाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा उसमें नर्वस वगैरह भी नहीं लगती और ना हेजिटेशन होती है, ना मतलब कि घबराहट वगैरह कुछ नहीं होती। मैं आराम से ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ फ़ोन से, और मुझे ज़्यादा नोटिस भी नहीं करते। जहाँ मुझे 100% लोग नोटिस करने वाले थे, वहाँ 50% या 40% तक करते हैं खाली फ़ोन से खाली, क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है, क्योंकि फ़ोन तो हम हर जगह चला सकते हैं, और पहले भी चलाते थे जब यूट्यूबर, जब इतना हमें लोगों को मालूम नहीं था, हम तब भी बनाते थे ब्लॉग, जो हमें चीज़ अच्छी लगती थी हम वहीं कैमरा लेके खड़े होते थे। उस टाइम तो हमें कोई वो नहीं आती थी शर्म, आराम से बनाते थे, फ़ोटो वगैरह भी खींचते थे, तो लोग थोड़े देखते थे हमें, क्योंकि सब लोग यही करते रहते। अगर आप कहीं जाओगे है हिस्टोरिकल प्लेस में, तो वहाँ क्या करते हैं लोग, फ़ोन ले कर बनाते वीडियो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई बनाता है, तो वहाँ आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होगी और बिल्कुल आराम से बना पाओगे फ़ोन से, अगर फ़ोन से बनाना चाहते हो तो। और दूसरा दोस्तों, अगर कभी मार्केट में जाओ ना आप, कभी मार्केट में जाओ तो पांच, वैसे तो घबराहट होती है कि फ़ोन कैसे निकालूं, मैं कोई देखते नहीं रहा, कुछ बोलेगा तो नहीं, बट आप अगर 5 मिनट के लिए निकाल लोगे ना कैमरा, ब्लॉगिंग बनाना शुरू कर दो, 1-2 मिनट मतलब कि ब्लॉगिंग बनाना शुरू कर दो, आप देखोगे आपका बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल हाई हो जाता है, आपको फिर वो नहीं लगती डर। एक बार जब कैमरा आ जाता ना हाथ में, मतलब कि ब्लॉगिंग शुरू हो जाती है, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे, देखने दो जो देख रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे। बट आप 5 मिनट के लिए कैमरा निकालिए पहले बाहर और बनाना शुरू कीजिए, देखिए आपका हेजिटेशन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, मैं जब जाता था मार्केट तो मुझे वो लगता डर कि कैसे निकालूँ कैमरा, कैसे बनाऊँ, लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं, बट जब मैं निकाल लेता था और 5 मिनट तक मैं ब्लॉगिंग करता था भाई, उसके बाद तो मैं
किसी को नहीं देखता था, जहाँ देखा उससे में वहीं फोकस करना शुरू कर देता था, ब्लॉगिंग वगैरह करना, और बेफिक्र होकर बनाता था मैं। तो इससे यह है कि आप बेफिक्र होकर बना सकते हो, फिर आपको घबराहट नहीं होती। ये दो तीन उपाय जिस जो आप कर सकते हो ब्लॉगिंग बनाने के। एक फ़ोन, अगर आपको ज़्यादा वो हो रही है, वैसे तो आप ट्रैपर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। शुरू शुरू में तो दोस्तों घबराहट होती होती है, चाहे कितने भी बोल लो, शुरू में होती है, बट वो दूर हो जाएगी तब जब आप मार्केट में ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, डेली जाते रहोगे मार्केट में हफ्ते में दो तीन बार जब जाओगे, आपकी हेजिटेशन सब दूर हो जाएगी और आप देखोगे आप बिल्कुल एकदम आराम से ब्लॉगिंग करोगे। तो जब आपको हैबिट हो जाएगी फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीज़ों को उपाय कर सकते हैं जो मैंने आपको बताएं। एक तो आप अगर ट्रैपोड लेके जा रहे हो तो फ़ोन लेके जाइए, अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो उससे ब्लॉगिंग कीजिए, तो आपको कब नोटिस करेंगे बंदे, करेंगे इतना नहीं करेंगे जितना कि ट्रैपोड वाले उसे करते हैं। और दूसरा, वैसे तो आज के टाइम पर हर कोई बना रहा ब्लॉग, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बनाइए बेफिक्र होके। एक बार निकाल लिए तो आपको, एक बार आपने कैमरा निकाल लिया बाहर तो आपके बिल्कुल दूर हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल हाई हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको बनाने में। आप बोलेगा अरे यार मैं तो वैसे ही डर रहा था फालतू में। और दूसरा, आप जैसे कैमरे के सामने बात करते तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपने सामने फ़ोन रख के वैसे ही कीजिए, बेफिक्र होके। ये नहीं कि आपको ब्लॉगिंग के लिए बात करनी है, पहले पहले ऐसे ही कीजिए कि कैमरे के आगे बात कीजिए, वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए खाली कैमरे के आगे। उस ब्लॉग को यूट्यूब पे मत डालिए, खाली प्रैक्टिस के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, और आप देखेंगे कुछ दिनों में आप बिल्कुल फ्रैंक हो जाओगे एकदम बात करने। पहले पहले तो ऐसा लगता है मैं अपने आप से तो वो कर रहा हूँ बात, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से नहीं, आपसे वो कर रहा हूँ बात, जो व्यूअर है मेरे उनसे वो कर रहा हूँ बात, अब मुझे ऐसा लगता है। तो ये थोड़ा धीरे धीरे करके सब सही हो जाता है। बनाइए ब्लॉग, और ब्लॉग दोस्तों उसी में बनाइए जो जो जिसमें आपकी इंटरेस्ट है या आपको नॉलेज है या आपको रुचि है उस चीज़ से, उसी की ब्लॉग बनाइए। ये नहीं कि आप मतलब कि किसी और चीज़ को पसंद करते हो और बना किसी और चीज़ की रहो, तो उसमें मत जाइए, और किसी के कहने पे मत जाइए कि भाई ये बना ले इसमें व्यू आएंगे सब्सक्राइब आएंगे, भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस चीज़ में आपको मज़े ही नहीं है, तो जो आपको पसंद है उसी पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग देखने वाले देखते हैं। और बेफिक्र होकर बनाइए जो आपको पसंद है, बट उसी में बनाइए जो आपको पसंद है। ये नहीं कि दूसरे को पसंद है वो आप बना रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए गुड बाय।